सो वेलकम स्टूडेंट्स, 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी ये इनिशियल लेक्चर्स है, बेसिकली बच्चों ये थियोरेटिकल क्वेश्चंस है, बट एक चीज़ याद रखना, बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन नाउडेज इज आस्क्ड फ्रॉम टेक्स्ट बुक। अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं ऐसा नहीं है, बट टेक्स्ट बुक आपको पूरी याद होनी चाहिए। इसलिए आपको ये जो इनिशियली 3 or 4 लेक्चर्स जो आपको पढ़ने हैं, क्लियर, बेसिकली दे आर टेक्स्ट बुक बेस्ड लेक्चर्स, क्लियर। सो स्टूडेंट्स ये सारे रीड करने हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट अगर कभी ये पूछ ली गई तो हो सकता है कहीं ना कहीं पे आप मिस्टेक कर दो, क्लियर। सो दिस इज आर Lecture-4 स्टूडेंट्स। अभी तक जो मैंने 3 लेक्चर्स लिए हैं, बेसिकली द फर्स्ट लेक्चर इज अबाउट द हिस्ट्री, द सेकेंड लेक्चर इज अबाउट द SI यूनिट्स, क्लियर। सो इट इज़ मेजरमेंट सिस्टम। नाउ अब जो अपन मेजरमेंट के अंदर जो टर्म्स यूज़ में लेते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या क्या यूज़ में लेते हैं, तो सबसे पहले अपन 1 by 1, सपोज अगर अपन मास की बात करें, सो वॉट इज एक्चुअली मास इज, क्लियर। सो स्टूडेंट द मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन सब्सटेंस। वॉट इज मास? इट इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर विच इज प्रेजेंट इन सब्सटेंस। एंड स्टूडेंट्स इन आर लेबोरेटरी इट इज कैलक्यूलेटेड बाय एनालिटिकल बैलेंस। आपके आपने देखा होगा आपके इन योर लेबोरेटरीज देर इज़ वन बॉक्स विच कंटेन एनालिटिकल बैलेंस। उसमें पैन होते हैं, उसके अंदर आप वेट रखते हो एक तरफ, और एक तरफ आपका सब्सटेंस रखते हो, एंड यू कैन फाइंड आउट द वेट। सो द मास इज कैलक्यूलेटेड बाय एनालिटिकल बैलेंस। नाउ स्टूडेंट देर इज़ अ वन मोर टर्म विच इज़ इंटरचेंजेबली यूज, एंड दिस टर्म इज इंस्टीड ऑफ मास मेनी ऑफ द teachers or students or even books, they use the term weight, but actually the mass and the weight term is actual, they are totally a different quantities. क्योंकि physics के अंदर अगर आप जाके देखो तो जो mass है वो different है, और जो weight है that is what, it is the force exerted by gravity on an object, clear। So this is the force exerted by gravity on an object. So object ke upar gravity kitna force lagayegi, that is referred as weight. Means if mass is multiplied by g, now students as we know that the value of g changes according to the position of substance on earth. At the poles the value of g is different, at equator its value is different, so the weight changes, clear, because weight depends upon g and g depends upon other factors jo aap log physics ke andar padhne wale ho, but ha this term is interchangeably used in chemistry, but students actual mein apan ko jo use lena chahiye mass ke andar wo mass hi use mein lena chahiye, clear। so this mass is determined by analytical balance। ab yahan pe bachcho ek term aati hai, that is acha mass ko apan kya lete hain, so what is the SI unit of mass? The SI unit of mass is kg, that is kilogram। The SI unit of mass is what students? The SI unit of mass is kilograms। अब अपन सेकेंड चीज लेते हैं बच्चों, what is volume? So volume अपन कैसे लेते हैं? So volume is basically, suppose the length is given, length to the power cube is generally referred as volume, because in SI unit जो अपन ने seven basic unit लिए बच्चों, उसके अंदर one of the unit is length। सो एक्चुअली वॉट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम इज लेंथ का क्यूब, क्लियर, लेंथ का क्यूब। देयरफॉर द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज, इस वॉल्यूम का एसआई यूनिट क्या होगा बच्चों? बिकॉज लेंथ इज ऑब्जर्व्ड इन मीटर इन एसआई, सो इट इज मीटर क्यूब। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज मीटर क्यूब, बट द मोस्ट कॉमन यूनिट विच इज यूज for measurement of volume is student liter। now students what is the relationship between a liter and a meter? so bachcho yaad rakhna hai 1 liter is equals to 1 decimeter cube, so this is very important, 1 liter is equals to students 1 decimeter cube। aur maine aapko ye deci deca prefix kya hote hain wo prefix bhi maine aapko bataya tha, वट इज़ देयर न्यूमेरिकल वैल्यूज, मल्टीपल्स क्या होते हैं इनके। सो जो डेसी है स्टूडेंट्स, उस डेसी का मल्टीपल क्या होता है?
10^-1. So 1 liter is equals to 1 dm³. Clear? Now how we measure volume? So by using graduated cylinder, by using burette, by using pipette, or by using volumetric flask. So this volumetric flask, it is used to prepare a known volume of a solution. So why volumetric flask is used? It is used to prepare the known volume of a solution. Now students, there is a term called density. Density. Now those units which is derived from SI unit is known as derived SI unit. Clear students? तो जो आपका volume है, volume अपन ने कैसे derive किया? Length into width into height. That is length is the basic unit. Length का cube किया तो अपने पास क्या आया? Volume. So students, ये जो volume है basically this is the this meter cube or a decimeter cube or a liter this meter cube. So meter cube is actually a derived SI unit for derived SI unit. Clear? So meter cube is a derived SI unit. Likewise for area, students, what is area? So for area it is length into width. So length का जो आपका बच्चों SI unit है वो क्या होगा, और जो width है उसका SI unit है वो क्या होगा? तो अगर आप देखोगे तो दोनों का SI unit क्या होता है? मीटर. मीटर. So what is the derived unit? So derived unit is meter square. So this is called derived unit. Now likewise the density. Density is again a derived unit. So what is derived unit for density, students? Density is equals to mass upon volume. Now in SI unit, mass is taken in kilograms and volume is taken as a meter cube. So the SI unit of density is, students, kg meter cube. Now instead of kg we can use gram, instead of meter we can use centimeter. So students, jo most common upon density ko lete hain, that is gram per cc, gram per centimeter cube. But this is not SI unit. The SI unit is kg per meter cube. Ab students, yahan pe ek cheez apan ko yaad rakhni hai. This 1 cc, that is 1 cm³. This 1 cm³ is equals to, or 1 cc is equals to 1 ml. That is 1 milliliter. Now what is, students, milli? It is 10^-3 liter. So बच्चों 1 cc किसके बराबर होता है? 1 ml. ये conversion factor अपन बहुत ज़्यादा use करेंगे students. So this is also important. Now there is a temperature. Another term is temperature. So temperature is represented by intensity of heat energy associated with any matter. So basically intensity of heat energy को measure करने के लिए अपन जो यूज़ करते हैं, दैट इज टेम्परेचर. नाउ देर आर 3 scales ऑफ टेम्परेचर, स्टूडेंट्स. 3 scale अपन यूज़ में लेते हैं. दिस इज डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन. सो बच्चों फ़ारेनहाइट में डिग्री लगाते हैं, सेल्सियस में डिग्री लगाते हैं, बट केल्विन में बच्चों डिग्री नहीं लगाते हैं. सो डिग्री 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 टर्म इज़ यूज फॉर फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, बट फॉर केल्विन द डिग्री टर्म इज़ नॉट यूज. तो अपन इसके लिए डिग्री टर्म यूज में नहीं लेते, स्टूडेंट्स. अब एक्चुअल में बच्चों ये कन्वर्जन का फॉर्मूला है. ये कन्वर्जन का फॉर्मूला अपन अगर आप देखो तो कभी कभी 6th स्टैंडर्ड के अंदर भी आ जाता है बच्चों. ये तो अगर आप सोचो तो 6th स्टैंडर्ड का है, बट ये 11th में भी आ गया. तो फॉर्मूला बच्चों आपको याद रखना है, हाउ वी कन्वर्ट डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल इंटू डिग्री सेल्सियस. So degree Fahrenheit is equals to 9/5 degree Celsius plus 32. Likewise, Kelvin को कैसे करते हैं बच्चों अपन? तो Kelvin convert करने के लिए degree Celsius में क्या add कर दो? 273.15. So by using these two formula, we can convert Fahrenheit into degree and the degree into Fahrenheit or Fahrenheit into degree or here Kelvin into degree or degree into Kelvin. So अब suppose बच्चों यहाँ पे अपना एक question आता है ना, यहाँ पे अपन एक क्वेश्चन करते हैं. तो जब क्वेश्चन करेंगे बच्चों तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. सो सपोज अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन ऐसा है, एट व्हाट टेम्परेचर, क्लियर, एट व्हाट टेम्परेचर द डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल इज सेम. एट व्हाट टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट
एंड डिग्री सेल्सियस स्केल आर सेम। ऐसा कौन सा टेम्परेचर होगा जो डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में बच्चों सेम होगा? तो अब इसमें कुछ नहीं करना, बिकॉज डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस इज सेम। इट मीन्स सपोज मैं डिग्री फ़ारेनहाइट को ले लेता हूँ बच्चों, एक्स वेरिएबल है जिसको निकालना है, तो डिग्री सेल्सियस भी क्या होना चाहिए? एक्स। मीन्स इन दिस फॉर्मूला डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस बोथ शुड बी रिप्लेस्ड बाय एक्स। तो बच्चों कुछ नहीं करना अपन को यहाँ पे, अपन कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू 9/5x प्लस 32। अब बच्चों अगर अपन इसको सॉल्व करें तो इसको इस तरफ लेके जाओ तो इट इज x माइनस 9/5x इज इक्वल्स टू 32 एंड दिस इक्वल्स टू, ये 5 इधर लिया अपन ने बच्चों, तो ये क्या हो गया माइनस 4/5x इज इक्वल्स टू 32 एंड 4 8 जा 32 एंड 8 5 जा 40 तो x इज इक्वल्स टू माइनस 40। मीन्स दिस इज द वैल्यू स्टूडेंट्स, माइनस 40 इज दैट वैल्यू, सो हियर इट इज माइनस 40 डिग्री सेल्सियस और माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो दिस इज द टेम्परेचर वेयर द फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल इज सेम। क्लियर स्टूडेंट्स? सो ये हुआ कि कैसे अपन ने फाइंड आउट किया ये वाला क्वेश्चन। बच्चों कुछ और क्वेश्चंस करके देखते हैं, मैं क्वेश्चन लिखता जाता हूँ आप बताना मेरे को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं, वो सपोज अपन ले लेते हैं, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज एग्जाम्पल 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, नाउ सपोज इट इज रिटर्न दैट 40 डिग्री सेल्सियस सपोज अपन को गिवन है, वी हैव टू कन्वर्ट 40 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन एंड टू डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर? सो 40 डिग्री सेल्सियस को अपन को कन्वर्ट करना है केल्विन और फ़ारेनहाइट के अंदर। क्लियर? सो स्टूडेंट सबसे पहले अपन कन्वर्ट करते केल्विन, तो केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सो डिग्री सेल्सियस द वैल्यू विच इज गिवन, इट इज एडेड विद 273.15। सो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस कितना हुआ बच्चों? 40। एंड 40 के अंदर अगर मैंने 273.15 ऐड कर दिया तो कितना केल्विन आएगा? इट इज 313.15 केल्विन। सो स्टूडेंट्स दिस इज द आंसर। लाइकवाइज इसी को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला स्टूडेंट्स? डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 5। क्लियर? सो अपन ने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? यही आपका डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 5। अब इसको मैंने यहाँ पे डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 5 कर दिया बच्चों यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आगे क्या लिया था इसके 9। सो इट इज 9/5 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू एफ माइनस 32। क्लियर? सो ये फॉर्मूला लिया अपन ने और इसको ऐसे मोल्ड कर दिया बच्चों, ये इस तरफ ले गए, तो अभी डिग्री सेल्सियस की वैल्यू रख देनी है यहाँ पे, तो ये कितना आ गया 9 × 40 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू एफ माइनस 32। यहाँ पे बच्चों ये 8 आ गया और 8 × 9 = कितना होता है बच्चों? 72। 72 इज इक्वल्स टू एफ माइनस 32 एंड देयरफॉर एफ इज इक्वल्स टू 72 प्लस 32। और बच्चों जब इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? इट इज़ 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जो आपका एफ की वैल्यू आई बच्चों को कितनी आई? इट इज़ 2 + 2 = 4 and 7 = 3 = 10। सो इट इज़ 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो दिस इज़ हाउ वी कन्वर्ट केल्विन डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ऐसे अपन किसी को किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं लाइकवाइज। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 0 °C कन्वर्टेड इनटू अ केल्विन। तो बच्चों कुछ भी नहीं करना जो पहला वाला था, केल्विन निकालने के लिए 0 प्लस उसमें कितना ऐड कर देने का? 273.15। सो 0 °C मींस हाउ मच केल्विन? 273.15 केल्विन। सो दिस इज हाउ वी कन्वर्ट द सेल्सियस इंटू केल्विन और केल्विन इंटू सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट इंटू सेल्सियस और सेल्सियस इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर?
क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे। अब अगर अपन इसमें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कंसीडर करें बच्चों, है ना, सपोज अपन लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट। सो व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? सो स्टूडेंट्स, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है अगर अपन देखें, और फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? सो बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, ये दोनों अपन बच्चों किसके कंसीडर कर रहे हैं? वाटर। अगर आपको पता हो तो अपन इसको बच्चों डिग्री सेल्सियस में बड़ी आसानी से लिखते हैं, अगर आपको पता हो तो। सो इट इज 0 डिग्री सेल्सियस इज अ फ्रीजिंग पॉइंट एंड 100 डिग्री सेल्सियस इज अ बॉइलिंग पॉइंट। नाउ सपोज अगर मैं आपसे बोलूं राइट डाउन दिस इन अ फेरेनहाइट स्केल, सो व्हाट इज द फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फेरेनहाइट? सो फ्रीजिंग पॉइंट स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ, डिग्री सेल्सियस में 0 रखता हूँ, तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया? 32 डिग्री फेरेनहाइट। एंड बॉइलिंग पॉइंट बच्चों कितना हो गया? इट इज 212 डिग्री फेरेनहाइट। सो एक्चुअली द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फेरेनहाइट स्केल इज 212 डिग्री फेरेनहाइट एंड द फ्रीजिंग पॉइंट इन फेरेनहाइट स्केल इज 32 डिग्री फेरेनहाइट। मीन्स बच्चों यहाँ पे जो है वो ज्यादा वैल्यू जो आ रही है वो फेरेनहाइट के अंदर, और जो कम वैल्यू आ रही है वो किसके अंदर है? डिग्री सेल्सियस के अंदर। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट एंड कंपेयर डिग्री फेरेनहाइट, डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से अपन इन क्वेश्चंस को वर्कआउट कर सकते हैं। अभी मैंने आपको यहाँ पे कुछ कन्वर्जन्स बताए बच्चों। सपोज अगर अपन को दिया हुआ है 1 kg, तो 1 kg को आप के की जगह पे अपन क्या लिखते हैं? सो व्हाट इज किलो? किलो मीन्स होता है बच्चों 1000। सो अगर मैं यहाँ पे के को किससे रिप्लेस कर देता हूँ? नंबर से। सो इट इज 1000, और जी मतलब क्या होता है? ग्राम्स। सो 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 grams। लाइकवाइज स्टूडेंट, सपोज ऐसा लिखा था 1 kilometer, सो व्हाट इज किलो? 1000, सो इट इज इक्वल्स टू 1000 meters। क्लियर? सो ये जो आगे लिखा हुआ है बच्चों, दिस इज वी कॉल्ड एज अ प्रीफिक्स, और इस प्रीफिक्स को अगर अपन कन्वर्ट करते हैं तो बड़ी आसानी से कन्वर्ट हो जाता है। जैसे स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे कंसीडर करता हूँ फॉर वॉल्यूम, सो वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है जैसा मैंने आपको बताया। सो 1 liter किसके बराबर होगा? 1 liter इज इक्वल्स टू 1 dm³। लाइकवाइज 1 liter इज इक्वल्स टू 1000 ml, बिकॉज बच्चों एम का मतलब क्या था? 10^-3, और ये क्या है? 10^+3, ये कैंसिल हो जाएंगे तो 1 हो जाएगा। लाइकवाइज इट इज ऑल्सो इक्वल टू 1000, बिकॉज द 1 ml इज इक्वल टू 1 cc, सो वी कैन ऑल्सो राइट डाउन इट एज 1000 cc। सो स्टूडेंट्स, 1 liter का मतलब 1 dm³, 1 liter का मतलब 1000 ml, एंड 1 liter का मतलब 1000 cm³। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, ये जो है कन्वर्जन जो फैक्टर्स हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, देर इज वन मोर टर्म विच इज रेफर्ड एज साइंटिफिक नोटेशन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस साइंटिफिक नोटेशन? सो स्टूडेंट्स, दिस इज बेसिकली अ सिस्टम। दिस साइंटिफिक नोटेशन इज अ सिस्टम ऑफ मेजरमेंट which is used when the quantity which we measure, the quantity which we measure is either too large and too small. So if the quantity is either too large or too small, clear? Quantity agar bahut badi ya bahut choti hai, then we use a term scientific notation. Jaise apan example lete hain, isko likhte kaise hain bachcho? So it is, सपोज कोई भी आपकी एक क्वांटिटी है, तो उस क्वांटिटी को आप फाइनली कैसे रिप्रेजेंट करोगे? सो इट इज एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ n इंटू 10^ स्मॉल n। बच्चों आगे यहाँ पे क्या होगा? कोई नंबर होगा आपका। क्लियर? सो इट इज अ सुटेबल नंबर। अब दिस नंबर वेरी फ्रॉम 1 to 10 जनरली। ये जो नंबर होगा बच्चों, ये कहां से कहां तक वेरी करेगा? बिटवीन 1 to 10। क्लियर? ये आपको याद रखना है। सो दिस फर्स्ट एन इज अ सुटेबल नंबर विच इज यूजुअली वेरी बिटवीन 1 to 10, एंड
दिस एन जो आपका बच्चों स्मॉल एन है, दिस स्मॉल एन इज एक्सपोनेंट. क्या है ये आपका बच्चों? एक्सपोनेंट. एंड दिस एक्सपोनेंट इज पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स. या तो ये पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है बच्चों, और या फिर ये क्या हो सकता है? नेगेटिव इंटीजर. अब इसको लिखते कैसे? नाउ सपोज दिस इज द क्वांटिटी. नाउ इट इज 232.508. तो बच्चों यहां पे क्या करना है अपन को, अगर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो जो सबसे पहला नंबर है, सबसे पहले नंबर के बाद इसको पॉइंट लगाना है. तो यहां पे दो पॉइंट आप आगे आओगे तो ये 2.32 हो गया. अब बच्चों वापस यही नंबर लाना है तो यहां पे कितना पॉइंट आपने ये वाला शिफ्ट किया? दो पॉइंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड. मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस विथ 10^2. सो इस नंबर को अगर आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखो तो इट इज 2.32508 इंटू 10^2 बिकॉज इट इज अ लार्ज नंबर. नाउ इफ इट इज अ स्मॉल नंबर स्टूडेंट्स, सपोर्ट इट इज 0.00016. अब ये जो आपका पॉइंट है अगर लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं बच्चों तो 10 की पावर क्या होती है? पॉजिटिव इंटीजर. और अगर इसको मैं शिफ्ट करता हूँ राइट में, अब देखो मैंने पॉइंट को अब कितने नंबर से शिफ्ट किया? 1, 2, 3 एंड 4. सो स्टूडेंट्स 4 नंबर के बाद यहाँ पे आप पॉइंट लगाओगे, दैट इज 1.6. अभी ये 1.6 मतलब यूजुअली 1 to 10 के बीच में हुआ, सो इट इज 1.6. अभी कितने नंबर से आपने पॉइंट शिफ्ट किया? 1, 2, 3 एंड 4. सो इट इज 10^-4. क्लियर? आई थिंक स्टूडेंट समझ में आया होगा कि अपन इसको कैसे लिख सकते हैं 10^-4. सो लाइकवाइज अभी अगर सपोज अपन यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है. सो अभी मैंने मान लो यहाँ पे एग्जांपल लिया, सपोज इट इज 0.00001 6 7. नाउ वी हैव टू राइट डाउन दिस नंबर इन साइंटिफिक फैशन. तो अभी यहाँ पे देखो बच्चों अपन को 1 पे यहाँ पे पॉइंट लगाना है. सो कितना? 1, 2, 3, 4 एंड 5. 5 नंबर शिफ्ट करके अपन को यहाँ पे पॉइंट लगाना है. ये कितना हो गया अभी आपका? 1.67. कितने नंबर से आपने राइट में शिफ्ट किया पॉइंट? सो पॉइंट इज शिफ्टेड बाय 5 प्लेसेस, 1, 2, 3, 4, 5. सो इट इज 10^-5. कितना लिखेंगे स्टूडेंट्स अपन? 10^-5. लाइकवाइज देयर इज अ सेकेंड नंबर, 1, 2, 3, 6, 9, 5, 0. नाउ इट इज अ बिग नंबर. सो इसमें क्या करना है बच्चों? पॉइंट अपन को लगाना है. तो यहाँ पे पॉइंट कहाँ से लगाना है? तो आपने 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इसके आगे यहाँ पे पॉइंट लगाया. तो आपने पॉइंट किधर लगाया बच्चों? यहाँ पे ये ऐसा नंबर होगा तो ये नंबर कैसे लिखेंगे अपन? 1, 2, 3, 6, 9, 5, 0.0. तो अभी पॉइंट को आपको किधर लेके आना है? ऑन लेफ्ट हैंड साइड. सो कितने नंबर से आपने शिफ्ट किया? 1, 2, 3, 4, 5, 6. सो दिस नंबर इज रिटर्न लाइक 1.236950 इंटू 10^+5. सो दिस इज हाउ वी यूज दिस साइंटिफिक नोटेशन. सो स्टूडेंट्स व्हाट इज दिस साइंटिफिक नोटेशन? सो साइंटिफिक नोटेशन इज अ सिस्टम टू रिप्रेजेंट और टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी इफ दैट क्वांटिटी इज टू लार्ज और टू स्मॉल. So, this is how we use scientific notation term. Clear, students? So, this is the important portion जिसको अपन को बच्चों पढ़ना है. अब इसके बाद बच्चों एक और चीज़ आता है कि अगर मेरे को इस scientific notation का क्या करना है, addition, subtraction, multiplication and division. So, अगर suppose मेरे को scientific notation का addition और subtraction करना है, सो हाउ वी एड और सब्ट्रैक्ट इट. नाउ सपोज जब भी आपको इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है बच्चों, तो कुछ नहीं करना है आपको यहाँ पे. जो पावर्स अपन को लेनी है स्टूडेंट्स वो क्या होनी चाहिए? सेम. नाउ सपोज वी वॉन्ट टू एड इट, सो आपको क्या करना है यहाँ पे एड करने के लिए? सपोज दिस इज द फर्स्ट नंबर 10^n प्लस दिस इज द सेकेंड नंबर इंटू अगेन 10^n. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है दैट एक्सपोनेंट शुड बी सेम जब भी आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना हो. इफ द एक्सपोनेंट्स आर डिफरेंट, चेंज
the exponents and convert it into same exponent. And this is n1 plus n2 and it is into 10 raised to the power n. Now, if it is a case of subtraction, that is n1 into 10 raised to the power n minus n2 into 10 raised to the power n, it is equals to n1 minus n2 into 10 raised to the power n. Now, students, yahan pe jo important hai, wo kaisa hai? Final jo answer hai, wo kaise likhenge? Suppose maine ek example liya. 0.0002. So, we can write it as a, यहाँ पे 2 के बाद point आएगा बच्चों, और यह पे 1, 2, 3, 4. So, it is 2 into 10 raised to the power minus 4. This is the supposed first term. Now, we want to add 0.003. अब students, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके कितनी terms है? 1, 2, 3, 4, तो minus 4 हुआ. इसको भी आप किस में कन्वर्ट कर दो, माइनस फोर. सो हाउ वी कन्वर्ट दिस इनटू अ माइनस फोर, तो माइनस फोर के लिए बच्चों यहाँ पे पीछे जीरो लगाना है अपन को. अभी कितना लेना है माइनस फोर, तो कितना साइड में आपको राइट साइड में जाना है, 1, 2, 3 एंड 4. सो इट बिकम्स 30 इंटू 10 रेस टू दी पार माइनस फोर. अब यहाँ इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स ये है कि n1 और n2 आपका है, वो जरूरी नहीं है कि आप वन नंबर लिखो. यहाँ पे 2 नंबर भी ले सकते हो, या फिर आप इसको 3 में कन्वर्ट करते हो तो आप इसको भी किस में कन्वर्ट करो, -3 के अंदर. सो आइदर कन्वर्ट बोथ इनटू -3 और कन्वर्ट बोथ इनटू -4. अभी -4 में कन्वर्ट कर दिया. अब स्टूडेंट्स क्या करना है, 10 रेस टू द पावर -4 अपन ने कॉमन ले लिया और अंदर कितना आ गया, 30 प्लस 2. सो वी कॉल्ड इट 32. सो स्टूडेंट्स इट इज 32 इंटू 10 रेस टू द पावर -4. सो आई थिंक you will understand this. Now, in case of this is addition and this is subtraction. Now, in case of multiplication, so students, multiplication ke case mein kuch bhi nahi karna hai. Jaise suppose I had 2 into 10 raised to the power minus 5 into 3 into 10 raised to the power plus 6. Bacho, directly ye jo number aa rahe hai aapke, in dono numbers ko aapko kya kar dena hai, add, aur in dono ko kya kar dena hai, multiply. So, it is 2, 3s are 6, 6 6 into 10 raised to the power plus 1. So, this is multiplication. Same is in case of division. Now, what we have to do in division? Suppose it is 3 into 10 raised to the power minus 6 upon 6 into 10 raised to the power minus 2. Ab isko kya karna hai, bachcho? Isko upar leke jana hai. To ye to kitna ho gaya aapka? 3 by 6 means it is half. Ye divide kar diya apan ne. Now, this is suppose n1 and this is suppose n2. So, bachcho, ye kitna ho jayega? 10 raised to the power n1 minus n2. So, yahan pe ye 1 by 2 kitna ho gaya, bachcho? 0.5 into 10 raised to the power. What is n1? Minus 6. Minus of minus 2. So, minus of minus 2 become plus 2. So, students, answer is 0.5 into 10 raised to the power minus 6 plus 2. It is minus 4. So, students, this is how we use this scientific notation. So, this is addition, subtraction, multiplication and division. I think bahut sare bachcho ne ye sab 10th class tak mein pad liya hoga. But students, it is given in our textbook. So, we have to read it. We have to again use it. Clear? So, in this lecture, we concentrated on some quantities like mass, weight, volume, density, temperature, the scale, various scales of temperature like degree Celsius, degree Fahrenheit and Kelvin. Clear? Iske baad, bachcho, jo next aapka topic aata hai, that is a very, very important topic. Clear? Aajkal kuch bachche hain jo us topic ko padhte nahi hain aur achanak se uske upar question aa jata hai. Abhi beech mein ek baar JEE walon ne uske upar question poocha. और बच्चों बड़ा आपको जान के ताज्जुब होगा कि बहुत सारे बच्चों के वो क्वेश्चंस गलत हो गए. क्लियर? गलत हो गए क्यों? क्योंकि जनरली जब अपन पढ़ते हैं ना तो इन वाले टॉपिक्स को अपन क्या करते हैं, बहुत बड़ा मूल कंसेप्ट है तो अपन बहुत सारे फॉर्मूलास पढ़ लेंगे, जाने क्या क्या पढ़ लेंगे, और पता चला इसमें से एक क्वेश्चन आया एंड क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम द टर्म कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स. क्लियर? सो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक. क्लियर? आजकल इस पे से क्वेश्चंस पूछना चालू कर दिया है. सो यहाँ पे
जब अपन बोलते हैं व्हाई वी यूज अ सिग्निफिकेंट टर्म और सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स इसलिए यूज होते हैं बच्चों बिकॉज देयर इज अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट. क्या होती है बच्चों? अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट. जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट है आप उससे मेजरमेंट ले रहे हो और वो मेजरमेंट हमेशा करेक्ट नहीं होता. सो दिस सिग्निफिकेंट फिगर इज यूज्ड बिकॉज देयर इज अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट. नाउ बच्चों व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर? दे आर द मीनिंगफुल डिजिट्स विच आर नोन विद सर्टेनिटी. सो देयर इज सम पार्ट विच इज सर्टेन प्लस वन विच इज एस्टिमेटेड और अनसर्टेन. और इसमें बच्चों एक पार्ट वो भी होता है विच इज अनसर्टेन. सो एक्चुअली द सिग्निफिकेंट फिगर कंटेन बोथ सर्टेन पार्ट एज वेल एज अनसर्टेन पार्ट. तो स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है. सो इट कंटेन बोथ दैट इज सर्टेन एंड अनसर्टेन. नाउ सपोज दिस इज एन एग्जाम्पल. अ वॉल्यूम इज गिवन एंड दैट वॉल्यूम इज 11.2 ml. नाउ इन दिस 11.2 ml स्टूडेंट्स these first two numbers they are certain. Means ये जो measurement है 11 वो ठीक है, but जो last आपका digit होता है students, last digit is always uncertain. मतलब जो भी number बच्चों यहाँ पे आप लिख रहे हो उस number के अंदर the last digit is uncertain or it is actually a doubtful disease. Now for example मैंने यहाँ पे लिखा 23.51. Now, in 23.51, this 23.5, this is certain, but the last digit is uncertain. Clear? So, बच्चों अगर आपसे कोई भी number पूछा जाए और आपसे पूछा जाए उसमें certain कौन है और uncertain कौन है, तो आपको बच्चों पता होना चाहिए यहाँ पे that the last digit is referred as uncertain. अब यहां पे इंपॉर्टेंट कैसा है बच्चों, इस केस के अंदर जो लास्ट डिजिट था दैट इज दिस 2. नाउ द अनसर्टेनिटी वुड बी, जो लास्ट डिजिट में अनसर्टेनिटी है बच्चों यहां पे वो कितनी होगी? प्लस माइनस 1. मींस इट मे बी 11.1 ml और इट इज 11.3 ml. मींस या तो प्लस 1 डिजिट इसके अंदर होगा या फिर माइनस 1 डिजिट होगा. सो हियर जो स्केल है उसके अंदर जो आपका लीस्ट काउंट आएगा बच्चों वो कितना आएगा यहाँ पे? प्लस और माइनस 1 इन द लास्ट डिजिट. तो लास्ट डिजिट के अंदर जो अपन चेंज करेंगे, क्लियर, वो होगा बच्चों कितना? प्लस माइनस 1. नाउ हाउ वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन अ गिवन नंबर. तो जो भी गिवन नंबर है, सो रूल्स टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन अ गिवन नंबर. तो गिवन नंबर के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो बच्चों अपन को क्या करना है? फाइंड आउट करना है. तो उसके लिए देर आर सम रूल्स. क्लियर? तो यही रूल्स है बच्चों जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं. क्लियर? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो अब इसके अंदर बच्चों रूल्स क्या है? तो रूल्स के अंदर आप देखो, फर्स्ट ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट. मतलब कोई भी नंबर आप लिखो उस नंबर के अंदर जितनी भी नॉन जीरो डिजिट है, जिनमें भी जीरो इंक्लूड नहीं है आपके, जितनी भी नॉन जीरो डिजिट है दे आर सिग्निफिकेंट. क्लियर? सो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. लाइक सपोज इट इज 285 सेंटीमीटर स्टूडेंट्स, तो इसमें तीनों के तीनों डिजिट नॉन जीरो हैं, सो इट इज अ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. नाउ 0.25, बच्चों जीरो यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे, ओनली इसके अंदर 2 नॉन जीरो डिजिट है, सो दिस इज इट हैज अ 2 सिग्निफिकेंट फिगर. बच्चों ये 3 और 2 है, दे आर सिग्निफिकेंट फिगर्स. लाइकवाइज सपोज मैंने एक नंबर लिखा 5.134, स्टूडेंट्स बोलो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? बिकॉज ऑल डिजिट्स आर नॉन जीरो डिजिट्स, सो इट हैज अ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. लाइकवाइज सपोज मैंने एक नंबर लिखा 0.5.134. नाउ इन दिस केस ऑल्सो बच्चों जीरो जो आगे आया है उसको काउंट नहीं करना है, इट कंटेन ओनली 1, 2, 3 and 4, देर इज ओनली 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. सो वॉट इज द फर्स्ट रूल? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट.
Now students, what is the second rule? Zero preceding to first non-zero digit. वो जीरो जो नॉन जीरो डिजिट के पहले आ रहे हैं, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पहले जितने भी जीरो आ रहे हैं, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट एंड देयरफॉर इसमें बच्चों यहाँ पे ये नॉन जीरो डिजिट थी, इसके पहले जो जीरो आ रहा है देयरफॉर इट इज नॉट काउंटेड. लाइकवाइज इन दिस केस ऑल्सो दिस इज फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, इसके पहले जो जीरो आ रहा है दैट इज नॉट काउंटेड. नाउ हियर 0.03. Now these two zeros are not taken in account and therefore it contain only one significant figure. Likewise 0.00052. Here also students, ye jo zero hai jo aage aaye hain, they are not counted, so only 5 and 2, it contain only two significant figures. Likewise the third rule is a student, so this is second rule, I think you can understand this. Now in the third rule, the zero between, now what is the students, zero between the non-zero digits, that is zero between the non-zero, अभी दो non-zero digit है उनके बीच में जो zero आ रहे हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, significant. So zero between non-zero digits are always significant. So suppose this is the number 2.005, so these two zero are also significant and the numbers are always significant, so total four significant figure is there. So students, इसमें कितने significant figure होंगे, four. सो जितने भी नॉन जीरो के बीच में जीरो आ रहे हैं दे आर सिग्निफिकेंट. नाउ द नेक्स्ट इज फोर्थ बच्चों, जीरोस एट द एंड और राइट ऑफ द नंबर, ये किधर था जीरो बच्चों, लेफ्ट में. नाउ जीरोस ऑन द राइट ऑफ द नंबर एंड और द एंड ऑफ द नंबर दे आर सिग्निफिकेंट, इनको अपन काउंट करेंगे प्रोवाइडेड दैट दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट. स्टूडेंट्स ये किधर होने चाहिए, दे आर द राइट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट, नॉट लेफ्ट साइड. जैसे इसमें पॉइंट और पॉइंट के लेफ्ट में एक जीरो है और पॉइंट के राइट में दो जीरो है बच्चों, सो दीज टू जीरोज आर सिग्निफिकेंट बट दिस जीरो इज नॉट सिग्निफिकेंट. सो दिस पर्टिकुलर नंबर कंटेन 0.200 कंटेन हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स, 3. 100.0. अब बच्चों यहां पे ये जो दोनों जीरो हैं, ऑल्दो दे आर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल, बट उसके आगे क्या आ गया, एक नंबर. सो नंबर के राइट साइड में जितने भी डिजिट्स आते हैं, जीरो एट द एंड और द राइट ऑफ नंबर, क्लियर, और साथ में डेसिमल के बाद वाला जीरो दैट इज ऑल्सो काउंटेड. सो दिस इज द जीरोस बिहाइंड द नंबर एंड जीरो आफ्टर डेसिमल दैट इज ऑल्सो काउंटेड. सो स्टूडेंट्स दिस पर्टिकुलर नंबर कंटेन 100.0, फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स. बट इफ देर इज नो डेसिमल पॉइंट, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ देयर इज नो डेसिमल, क्लियर. सो अभी सपोज यहां पे है 100, क्या गिवन है अपन को यहां पे 100. नाउ स्टूडेंट्स इस 100 के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, तो अभी डेसिमल पॉइंट अपन को गिवन नहीं है, क्लियर. सो इफ दिस डेसिमल पॉइंट इज नॉट गिवन, If there is no decimal point, so यहां पर बच्चों decimal point है इसलिए zero क्या हो गया significant, ये decimal point है इसलिए zero क्या हो गया significant. Here there is no decimal point, so these zeros are not significant and therefore it has only one significant figure. तो बच्चों कितनी important चीज है, आप देखो अगर यहां मैं decimal लगा देता हूं, जैसे अगर मैं इसको कर देता 100 point, यहां decimal लगा दिया मैंने, as I put decimal here, now all these zeros become significant. So इसके अंदर बच्चों आप कितने बन जाएंगे, so it contain now three significant figures. अभी 100.0 decimal के बाद वाला, decimal के पहले वाला, it contain four significant figures. So it is very very important. The terminal zeros are significant if there is no decimal point. Clear? So terminal zeros are not significant. टर्मिनल जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट इफ देयर इज नो डेसिमल पॉइंट. तो अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो जो टर्मिनल जीरोज है वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे. सो बच्चों ये जो लास्ट वाला पॉइंट है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वापस समझते हैं इसे अपन, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में जितने भी जीरो होंगे दे आर सिग्निफिकेंट, बट इफ द जीरोज आर प्रेजेंट आफ्टर द नंबर एंड आफ्टर दिस नंबर देयर इज नो डेसिमल पॉइंट, देन दीज जीरोज आर not significant. तो इसको अपन ऐसा बोलेंगे, the terminal zeros are not significant
इफ देयर इज नो डेसिमल पॉइंट. क्लियर स्टूडेंट्स? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लाइकवाइज इफ दे आर इन फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन. स्टूडेंट्स ये साइंटिफिक नोटेशन थे, तो साइंटिफिक नोटेशन में आप देखो ये 1 × 10⁻². सो दिस 10⁻²x दिस इज नॉट काउंटेड एज अ सिग्निफिकेंट फिगर. सो इट कंटेन ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर, दैट इज 1. नाउ 1.0 स्टूडेंट्स दिस 1 इज नॉट काउंटेड. सो अभी अपन को सिर्फ ये आगे वाला नंबर देखना है, और आगे वाले नंबर में कौन से रूल्स लगाने, 1, 2, 3, 4. सो दिस फ्रंट नंबर एन नंबर जिसे अपन ने लिखा था, बिकॉज साइंटिफिक नोटेशन कैसे लिखते हैं, n × 10⁻¹. सो 10⁻¹ इज नॉट काउंटेड इन सिग्निफिकेंट फिगर, ओनली n काउंटेड इन सिग्निफिकेंट फिगर. और n को कैसे एडजस्ट करना है, लाइक दिस. सो इफ इट इज 1.0 इट मीन्स इट कंटेन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स. क्लियर? सो स्टूडेंट्स ये जो आपका पर्टिकुलर पार्ट था, दैट इज हाउ वी काउंट सिग्निफिकेंट फिगर. क्लियर? सो दिस इज द काउंटिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर. तो काउंटिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंटिंग द नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स. अब ये बच्चों लास्ट आपका पॉइंट है. इफ दिस काउंटिंग रेफर्स टू द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अगर अपन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को काउंट कर रहे हैं, देन सपोज टू वॉल्स, सो दिस टू हैव अ इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स, अगर ये काउंट कर रहा है तो नंबर को. क्लियर? सो इफ नंबर इज रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन, ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. एग्जाम्पल, जो भी आगे एन लिखा हुआ है साइंटिफिक नोटेशन में, जो नंबर एन है उसमें जो भी डिजिट्स है वो जनरली क्या होगी बच्चों, सिग्निफिकेंट. सो इट कंटेन 3 सिग्निफिकेंट. दिस पार्ट इज नॉट टेकन इन अकाउंट. दिस कंटेन ये चारों के चारों नंबर है, इसमें वही एन वाला रूल लगेगा. बट यहाँ पे बच्चों एक चीज याद रखनी है, अगर काउंटिंग आती है, नंबर काउंट कर रहा है किसी चीज को, ऑब्जेक्ट्स को काउंट कर रहा है, तो उसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, इट कंटेन इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स. नाउ हाउ वी डू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट फिगर इन आंसर, और आंसर कंटेन हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स. सो स्टूडेंट्स व्हेन वी एड टू नंबर्स, नाउ सपोज वी हैव एडेड 3 नंबर्स हियर, 12.11, 18.0 एंड 1.012, द आंसर ऑब्टेंड इज 31.122. अब बच्चों यहाँ पे अपन को आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इन केस ऑफ आंसर, दिस फर्स्ट नंबर कंटेन हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स, 4. दिस सेकेंड नंबर कंटेन हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर, 3. द लास्ट नंबर कंटेन हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स, 4. सो स्टूडेंट्स द आंसर शुड कंटेन, आर आंसर शुड कंटेन कैसे, अब देखो यहाँ पे आफ्टर पॉइंट हाउ मेनी सिग्निफिकेंट, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, 2. आफ्टर पॉइंट हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, 1. आफ्टर पॉइंट हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, 3. सो डेसिमल के बाद, वन डिजिट आफ्टर डेसिमल प्लेस, मिनिमम जितनी भी डेसिमल प्लेस के बाद डिजिट है, दैट मिनिमम डेसिमल प्लेस इज शुड बी प्रेजेंट इन आंसर. सपोज यहाँ पे 12.11 था स्टूडेंट्स, तो डेसिमल के बाद कितने नंबर थे, 2. यहाँ पे डेसिमल के बाद कितना था बच्चों, 0. और यहाँ डेसिमल के बाद कितना था, 0, 1, 2. सो देर आर 3 नंबर्स, देर इज ओनली 1 नंबर एंड देर इज 2 नंबर्स. मीन्स डेसिमल के बाद जो नंबर है उसके अंदर मिनिमम नंबर होने चाहिए. सो यहाँ पे बच्चों मिनिमम नंबर कितना है, 1. सो ऑल दो द आंसर इज 31.122, हियर द आंसर इज 31.1. डेसिमल के बाद सिर्फ अपन को क्या लिखना है, लीस्ट डिजिट्स रखने बच्चों, जो सबसे कम है डेसिमल के बाद उतने अपन को रखने हैं यहाँ पे. लाइकवाइज सेम इज एप्लीकेबल टू मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन स्टूडेंट्स. नाउ आफ्टर डेसिमल देर इज ओनली 1 नंबर एंड हियर आफ्टर डेसिमल देर आर 2 नंबर्स. तो अब अपन को यहाँ पे जो बच्चों आंसर आया 3.125, तो आपको कितने नंबर रखने हैं, मिनिमम नंबर्स. तो डेसिमल के बाद मिनिमम नंबर कितना है, 1. सो आंसर इज 3.1. अब यहाँ पे बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, ये जो आपका नंबर है इस नंबर को अपन को क्या करना है, वी हैव टू राउंड ऑफ द नंबर. जो फाइनल आंसर है उसमें अपन को क्या करना है, राउंडिंग ऑफ. अब राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं बच्चों, क्लियर? सो राउंडिंग ऑफ में कैसे करते हैं, यहां पे कितना आया था अपना 31.122, तो आंसर कितना था अपना 31.122. क्लियर स्टूडेंट्स? आई थिंक मैं मार्कर यूज करता हूं, सो इट इज 31.122. इस 1 के बाद बच्चों कौन सा नंबर है, 2. क्लियर? अब राउंडिंग में क्या याद रखना है, इफ दिस नंबर
इज ग्रेटर देन 5, ये जो 1 के बाद जो नंबर आ रहा है, मतलब जितने भी आपके मिनिमम डेसिमल तक आपका जो भी प्लेस आ रहा है उसके बाद जो नंबर है उस नंबर को देखो, उस नंबर की वैल्यू अगर क्या आ रही है बच्चों, ग्रेटर देन 5, तो इस नंबर को कितने से इंक्रीज कर दो, बाय प्लस 1। जैसे इट इज 1.39, अभी मेरे को इस 3 को राउंड ऑफ करना है, तो 3 के बाद क्या आ रहा है बच्चों, 9 आ रहा है, 9 मतलब इट इज ग्रेटर देन 5, तो इस नंबर को 1 से अपन को क्या कर देना है, इंक्रीज, सो इट बिकम्स 1.4। क्लियर? एंड इफ दिस इज लेस देन 5, देन दिस नंबर शुड रिमेन एज इट इज। सो सपोज यहां पे 31.1 के बाद बच्चों क्या आ रहा है, 2, 2 क्या है आपका, इट इज लेस देन 5, इसलिए दिस नंबर विल रिमेन सेम, दैट इज 31.1। तो यहां देखो बच्चों 31.1, लाइकवाइज इसमें कितना आया था बच्चों, सो दिस इज 3.125, अभी मेरे को सिर्फ 1 तक लिखना है, तो इसके बाद का नंबर क्या है, 2। नाउ 2 इज लेस देन 5, दिस इज लेस देन 5, तो इसके आगे के नंबर को अपन को इंक्रीमेंट नहीं करना है, सो इट इज 3.1 ओनली। नाउ लाइकवाइज इफ द नंबर इज 6.35 एंड 6.25, बच्चों अपन ने ये तो देख लिया कि अगर ग्रेटर देन 5 आ रहा है देन इंक्रीज द नंबर बाय प्लस 1, अगर लेस देन 5 आ रहा है देन नंबर विल रिमेन सेम, बट इफ इट इज इक्वल टू 5, अगर ये 5 आए तो राउंडिंग ऑफ में क्या करना है बच्चों, तो वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अगर दोनों जगह पे अपने नंबर क्या आता है 5, कितनी अच्छी चीज लिखी है देखो आप, 6.25 एंड 6.35। स्टूडेंट्स यहां पे देखो, ये दोनों नंबर 5 है और इस नंबर को अपन को राउंड ऑफ करना है, सो अगर 5 से ग्रेटर होता है यहां पे तो अपन 2 की जगह क्या कर देते, 3, और अगर यहां पे 5 से लेसर होता तो ये क्या रहता आपका, सेम, बट दोनों जगह 5 है, तो 5 में भी बच्चों याद रखना है, इफ इट इज ऑड नंबर, 5 के आगे जो नंबर लिखा है इफ इट इज ऑड, तो बच्चों यहां पे ये क्या है, दिस इज ऑड नंबर बट दिस नंबर इज इवन, सो अगर आपका ऑड नंबर है देन इट इज इंक्रीज बाय 1। तो बच्चों इसे किससे इंक्रीज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, अगर कभी आया तो बहुत सारे बच्चे यहां पे मिस्टेक करेंगे, सो लिसन इट केयरफुली। यहां पे बहुत सारे बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे, सर कितना बेसिक मैथ्स पढ़ा रहे हैं, बेसिक सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ा रहे हैं। बच्चों यही क्वेश्चन जब पहली बार अभी बीच में जेई के अंदर आया तो बहुत सारे बच्चों का गलत हुआ, क्योंकि अपन हमेशा, अपनी आदत क्या होती है, जब अपन नीट जेई की तैयारी कर रहे होते हैं तो अपन ये सोचते हैं बहुत ज़्यादा टफ पढ़ के जाएं। बच्चों टफ नहीं पढ़ के जाना, अपन को क्या पढ़ के जाना है, वी हैव टू लर्न बेसिक। क्या लर्न करना है अपन को, बेसिक लर्न करना है स्टूडेंट्स, वो चीज़ याद रखना। और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, दीज आर द बेसिक ऑफ आर टेक्स्ट बुक, आपकी जब DPP होगी ना इसके ऊपर बेस्ड, तब आपको रियल में जब आप क्वेश्चंस करना चालू करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ सर ये आपने बोला था, और इसके अंदर अभी भी हमारे से क्या होती है, मिस्टेक्स। तो बच्चों इस वीडियो को आपको बार बार देखना है कि सर ने कौन कौन से रूल्स बताए थे, कैसे हमको सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर लेक्चर के बाद बच्चों आपको हम लोग DPPs प्रोवाइड करेंगे, जिन भी स्टूडेंट्स ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, स्टूडेंट्स वी विल प्रोवाइड यू अ DPP। क्लियर? और बच्चों ये मैं बता दूं आपको, वीडियो लेक्चर के अंदर हम टेक्स्ट बुक पूरा कवर करेंगे, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ टेक्स्ट बुक इज कवर्ड। तो हमारी कोशिश रहेगी कि जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है टेक्स्ट बुक के वो पूरे कवर होने चाहिए। तो बच्चों अपन आगे देखते हैं इसमें क्या करना है अपन को। सो इफ द नंबर इज इवन देन देयर इज नो चेंज। अगर आपका नंबर बच्चों इवन है तो कोई चेंज नहीं करना 5 में, लेकिन अगर ऑड है तो उसे इंक्रीज कर देना है, किससे, बाय 1। सो दिस इज हाउ आफ्टर सब्ट्रैक्शन एडिशन मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन राउंड ऑफ कैसे करना है आपको नंबर को। तो बच्चों राउंड ऑफ ऐसे करना है, और आइदर इट इज एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन और डिविजन, जब भी आप किसी नंबर्स को ये कर रहे हो तो जो आपका फाइनल आंसर आया उस फाइनल आंसर में डेसिमल के बाद जो नंबर लगाने हैं वो बच्चों उतने लगाने हैं जितने आपके मिनिमम डेसिमल नंबर किसी नंबर में आपको गिवन हो। क्लियर? जैसे यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 था और यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 था, तो आपके फाइनल आंसर में कितना होना चाहिए बच्चों, डेसिमल के बाद ओनली 1 नंबर। लाइकवाइज इन केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑल्सो। क्लियर स्टूडेंट्स? सो आई थिंक दिस इज द बेसिक ऑफ मेजरमेंट जो आप लोगों को याद रखना है बच्चों। क्लियर? ये जो मैंने लास्ट का जो टॉपिक पढ़ाया है बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर, दैट इज अनसर्टेनिटी एंड सर्टेनिटी,
अब बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, सपोज अगर बच्चों मैं यहाँ पे पूछता हूँ आपसे कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर प्रेजेंट इन दिस, सो दिस नंबर कंटेन 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, अब मैं इसमें पूछूँ हाउ मेनी आर सर्टेन एंड हाउ मेनी आर अनसर्टेन, तो बच्चों मैंने क्या बताया था, लास्ट डिजिट इज एक्चुअली अनसर्टेन, सो 3.12 दैट इज 1, 2 and 3, इट कंटेन 3 सर्टेन नंबर्स, क्लियर, सो हाउ मेनी सर्टेन नंबर्स आर प्रेजेंट, इट इज 3 एंड हाउ मेनी अनसर्टेन सिग्निफिकेंट फिगर्स, ओनली 1, 3 and 1. तो कभी कभी बच्चों ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक नंबर आपको दे दे और उसमें पूछे हाउ मेनी सर्टेन सिग्निफिकेंट फिगर्स आर गिवन इन दिस एंड हाउ मेनी अनसर्टेन सिग्निफिकेंट फिगर्स आर गिवन इन दिस. सो सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर अगेन अ ट्रिकी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्लियर. सो बच्चों ये जो आपको मैंने डिग्री सेल्सियस, फेरेनहाइट, मिलीलीटर, मिलीमीटर, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर डिनोट करना और सिग्निफिकेंट फिगर्स बताना, हाउ टू ऐड एंड फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट फिगर इन द आंसर, हाउ टू राउंड ऑफ द नंबर, क्लियर, इनके ऊपर पूरा आपका एक DPP होगा. सो दिस इज़ आर Lecture-3 स्टूडेंट्स. अब जो बच्चों आपका जो Lecture-4 होगा, यहाँ पे मैं बच्चों आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे आपको जो आपको सॉल्व करने हैं, बट इसके बाद बच्चों जो आपका लेक्चर होगा दैट इज़ फ्रॉम Lecture-4, क्लियर, दिस इज़ Lecture-3 स्टूडेंट्स. आफ्टर दिस Lecture-3, Lecture-4 से बच्चों जो आप सोचते हो ना कि 11th में आने के बाद सर कैसा होता है मोल कंसेप्ट, सो द रियल मोल कंसेप्ट इज, रियल मोल कंसेप्ट विल स्टार्ट फ्रॉम Lecture-4. तो Lecture-4 से बच्चों आपको ऐसा फील होना चालू हो जाएगा कि हाँ सर अभी मोल कंसेप्ट चालू हो गया है और थोड़ा सा क्या हो रही है, डिफिकल्टी हमारी इंक्रीज हो रही है. बट बच्चों आप 11th स्टैंडर्ड के अंदर हो, आपको टेक्स्ट बुक की सारी चीज़ें पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है सारी चीज़ें आपको, जो भी यहाँ पे लेक्चर्स आपको बताए जा रहे हैं बच्चों, ये नहीं देखना कि ये कम दिए हुए हैं ज़्यादा दिए हुए हैं, टेक्स्ट बुक के बारे में बता रखा है, बट आपको थरली एक एक चीज़ पढ़नी है. अगर आप इस तरीके से आप अगर केमिस्ट्री को पढ़ते जाओगे तो धीरे धीरे बच्चों केमिस्ट्री आपके दिमाग में एंटर करेगी और हम बहुत स्लोली पढ़ा रहे हैं, क्लियर. सो कुछ बच्चों को ऐसा होता है कि नहीं सर आप तो एकदम फास्ट पढ़ा दो, तो बच्चों यू आर इन 11th स्टैंडर्ड, बहुत सारा सिलेबस करना है, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, क्लियर. तो जो भी सारे बच्चे हैं इनको पढ़ रहे हैं बच्चों, आप आसानी से धीरे धीरे इनको पढ़ो. जैसे जैसे लेक्चर्स इंक्रीज़ होते जाएंगे वैसे वैसे बच्चों जो टॉपिक की डेप्थ है दैट विल ऑल्सो इंक्रीज, द टाइप ऑफ क्वेश्चन विल ऑल्सो इंक्रीज, द क्रिटिकल क्वेश्चन विल ऑल्सो इंक्रीज, द टफ क्वेश्चन विल ऑल्सो इंक्रीज, क्लियर. सो सारे बच्चों को राजीव सर की तरफ से ये कहना है कि बच्चों अब आप पढ़ाई चालू कर दो, घर पे बैठो, अच्छे से DPP कंप्लीट करो, क्लियर. और अगर बच्चों आपको कोई भी डाउट होते हैं तो आप विशाल सर के नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो कि सर ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है ये मेरा अभी भी अनक्लियर है, तो सर इसके ऊपर आप थोड़ा सा अगर आप इसको एलेबरेट करोगे, थोड़ा सा इसको आप एक्सप्लेन करोगे सर, तो ये हमारे लिए ईजी हो जाएगा, क्लियर. सो थैंक यू स्टूडेंट्स, दिस इज Lecture-4 ऑफ सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसे अपन NEET और JEE में बच्चों चैप्टर बोलते हैं मोल कंसेप्ट. थैंक यू.